So, hello students, today I am going to discuss with you about the skeletal system और ये fourth video है जो कि skeletal system के ऊपर है और ये second part है microscopic studies का, जो हमने microscopic studies of bone पढ़ रहे थे हम लोग last video में, उसी का ये continuation है। यहाँ पे आपको याद होगा कि हम लोगों ने bone के classification को देखा था, बोन्स को क्लासिफाई किया था। तो बोन्स को जो हमने क्लासिफाई किया था बच्चों, वहां पे हमने दो बेस लिया था। एक जो बेस था वो था हमारा शेप के आधार पे और दूसरा जो बेस था वो हमारा स्पेस के आधार पे था। तो आपको याद होगा कि स्पेस के आधार पे जब मैंने डिफ्रेंशिएट किया था तो मैंने बताया था कि एक होता है कॉम्पैक्ट बोन और दूसरा होता है स्पॉन्जी बोन। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप जब ट्री कटता है या कोई काट देता है तो आपने देखा होगा कि उसके बीच में कई सारे सर्कल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उसी तरह का आपको स्ट्रक्चर यहां पे भी मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉम्पैक्ट बोन को और स्पॉन्जी बोन को। थोड़ा सा इस डायग्राम को हम समझेंगे और यहाँ पे इस डायग्राम को समझेंगे। जब इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको सारे चीज क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन को स्टडी करना है तो आपको क्या करना होगा, एक बोन लेना होगा। आपको याद होगा हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ बोन में भी पढ़ा था, तो हमने वहां पे ह्यूमरस बोन लिया था, तो हम ले लिए ह्यूमरस बोन और हमने उसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया। जब आप उसको ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे बच्चों तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। आपको याद होगा कि सबसे बाहरी जो कवर होता है दैट इज योर पेरिओस्टियम, और पेरिओस्टियम के जस्ट अंदर की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको कॉम्पैक्ट बोन दिखेगा वहां पे, उससे और थोड़ा अंदर जाएंगे तो आपको स्पॉन्जी बोन दिखेगा और अंदर की तरफ एकदम आपको मेडुलरी कैविटी दिखेगा। आपको याद होगा कि मैंने कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन का जो डिफरेंस बताया था, वहां बताया था कि कॉम्पैक्ट बोन जो होता है वो स्पॉन्जी बोन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो भाई उसके चारों तरफ रहता है बाहर से, तब जाके उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आइए अब हम डायरेक्ट बात करते हैं अपने कॉम्पैक्ट बोन पे। यहां से आपको उसका लोकेशन समझ में आ गया होगा। यहां से हम आपको पूरा एक पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं क्या होता है कॉम्पैक्ट बोन, क्या होता है स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन में फ्यू स्पेस प्रेजेंट होता है, मतलब कोई भी टाइप का स्पेस हो, चाहे वो सेल्स के बीच का स्पेस हो, चाहे वो उसके रिपीटेटिंग यूनिट के बीच का स्पेस हो। क्या है ये रिपीटेटिंग यूनिट वो भी बताता हूं, वो स्पेस बहुत ही कम होता है। सेकेंड पॉइंट, अगर वो स्पेस कम है तो सभी चीजें क्या होगी, बहुत नजदीक नजदीक होंगी, तो कनेक्शन कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। तो बोन का नेचर कैसा होगा, स्ट्रांगेस्ट बोन होगा। ये फाउंड बिनिथ द पेरिओस्टियम, दिस इज व्हाट पेरिओस्टियम, बारीक जो कवरिंग था पेरिओस्टियम, और उसके जस्ट अंदर में जाएंगे तो आप कॉम्पैक्ट बोन मिलेगा। सो इट इज फाउंड बिनिथ द पेरिओस्टियम। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, जो मैंने बताया कि रिपीटेटिंग यूनिट बहुत सारे मिलेंगे, वो रिपीटेटिंग यूनिट आप यहां पे देखिए डायग्राम में। आपको यहां पे फिलहाल तीन सर्कल टाइप के डायग्राम मिल रहे होंगे। एक एक सर्कल वाला डायग्राम जो है बच्चों वो कुछ नहीं है, वो उसका रिपीटेटिंग यूनिट है, दैट इज व्हाट स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट, और इसी स्ट्रक्चरल यूनिट को आप ऑस्टियोन या हर्वेसियन सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, इस यूनिट को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसमें आपको ब्लू 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 जो है वो सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है, और ये सारे जो है कनेक्शंस हैं, ये सारे उसके कैनाल्स वगैरह निकले हुए हैं। तो अब आप क्या करो, ये ऑस्टियोन्स का है, ऑस्टियोन्स के बाहर भी इसी तरह से अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा, ये लाइनिंग आपको इस साइड में भी दिख रही होगी। तो ये लाइनिंग वाले सेक्शन से आपने क्या किया कि एक सेल को उठा करके प्रोजेक्ट कर लिया और उसकी स्टडी आप कर रहे हैं। यहां पे आप देखेंगे अंदर की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट है उसको आप कर रहे हो ऑस्टियोसाइट्स। आपको याद होगा मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बताए थे, उसी में एक ऑस्टियोसाइट्स था। ये ऑस्टियोसाइट्स जिस स्पेस में प्रेजेंट है उस स्पेस को कहते हैं बच्चों लैक्यूना। नेक्स्ट पॉइंट, यहीं पे ऑस्टियोसाइट से निकलने वाले कई सारे आपको केनाल दिख रहे होंगे, ये केनाल लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं केनालिक्युलाई।
ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर में क्या भरा होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। और यही कैनालिक्यूलाई होता है बच्चों, जो कि कनेक्टेड होता है सेंट्रल कैनाल से। किससे कनेक्टेड होता है? सेंट्रल कैनाल। बताता हूं सेंट्रल कैनाल क्या होता है। तो ये सेंट्रल कैनाल से कनेक्ट होकर के क्या काम करता है? सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट को एंड रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल को। यानी इसी कैनालिक्यूलाई के थ्रू न्यूट्रिएंट भी इस सेल तक पहुंचेगा और यहां से जो भी वेस्ट मटेरियल बनेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, वो क्या होगा, यहां से निकाला जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यही वो कैनालिक्यूलाई है जो कि एक लैक्यूना यानी एक ऑस्टियोसाइट्स के लैक्यूना को दूसरे ऑस्टियोसाइट्स के लैक्यूना से कनेक्ट करता है। इसीलिए आपको इस डायग्राम में पूरा ये दिख रहा होगा, कैनालिक्यूलाई वगैरह निकला हुआ है और सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्शन शो कर रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यहां पे अगर आप एक ऑस्टियोन को देख रहे हो, जो सिंगल आपको सर्कल दिख रहा है, उसके अंदर में भी आपको सर्कल्स दिख रहे होंगे बच्चों। इन सर्कल्स को आप कहते हो कॉन्सेंट्रिक लेमिले। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक लेमिले। कॉन्सेंट्रिक लेमिले वर्ड को पकड़िएगा। यहां मैं तीन तरह के लेमिले आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहला है कॉन्सेंट्रिक लेमिले, कहां पाया जाता है? ऑस्टियोन्स के अंदर पाया जाता है। ये लेमिले क्या है? इट इज प्लेट्स ऑफ मिनरलाइज्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बताया था, मिनरलाइज्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स यानी उसके ऊपर कैल्सिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस हो चुका है। तो यहां पे लेमिले का मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है जो कि मिनरलाइज्ड फॉर्म में, और कॉन्सेंट्रिक बोले तो ऑस्टियोन के अंदर में ये सर्कल सर्कल वाली जो स्ट्रक्चर बन रही है वो। नाउ नेक्स्ट, सेकंड जो लेमिले है कौन सा है? आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमिले। जब ये आप सर्किल से बाहर जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे बाहरी तरफ भी आपको लाइनिंग दिख रहा होगा जो कि एक स्ट्रक्चर टाइप का दिख रहा है। इसे आप बाहरी वाला जो है उसको आप कहते हो आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमिले। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, व्हाट इज इनर सर्कमफेरेंशियल लेमिले। जब आप यहां से अंदर की तरफ जाओगे बच्चों, तो अंदर की तरफ आपको मेडुलरी कैविटी दिख रहा होगा, और मेडुलरी कैविटी को लाइन करने वाला जो सर्कमफेरेंशियल लेमिलाई है उसी को आप कहते हो इनर सर्कमफेरेंशियल लेमिलाई। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यहां से निकलते हैं सर्कमफेरेंशियल लेमिलाइज वगैरह के बीच में, यानी जो भी स्पेस बच रहा है। देखिए मैंने पॉइंटेड किया है ये स्पेस, जो भी स्पेस बच रहा है दैट इज व्हाट योर लैक्यूना, क्योंकि उसी के बीच में क्या है? ऑस्टियोसाइट्स भी प्रेजेंट है। सो दिस इज व्हाट अबाउट योर कॉम्पैक्ट बोन। दो चीजें यहां पे और इंपॉर्टेंट, जो यहां पे मैंने बोला था आपको कि मैं आपको सेंट्रल कैनाल बताता हूं। देखिए बच्चों, एक ऑस्टियोन्स, दूसरा ऑस्टियोन्स, यहां पे जो बीच में ये जो सर्कल बना था, दिस इज व्हाट योर सेंट्रल कैनाल। यहां से ब्लड वेसल्स पास कर रहे हैं। और सेकेंड थिंग क्या है, एक ऑस्टियोन्स दूसरे ऑस्टियोन्स से कनेक्ट हो रहा है ये ब्लड वेसल्स के थ्रू। यानी ये ब्लड वेसल्स जब जा रहे हैं तो ये पैसेज बना रहे हैं, और इसी पैसेज को कहते हैं परफोरेटिंग कैनाल। क्या कहते हैं इसको? परफोरेटिंग कैनाल। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहां पे बच्चों, परफोरेटिंग कैनाल में सिर्फ ब्लड वेसल्स ही नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा नर्व या लिम्फैटिक वेसल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यही परफोरेटिंग कैनाल क्या करता है बच्चों? पेरिओस्टियम के पास जो ब्लड सप्लाई है उसको अंदर तक यानी कॉम्पैक्ट बोन तक सप्लाई कराने का काम करता है। सो दिस इज अबाउट योर कॉम्पैक्ट बोन। नाउ मूविंग टू द स्पॉन्जी बोन। अगर आप देखेंगे तो स्पॉन्जी बोन का सबसे पहला पॉइंट यह है कि इसको ट्रबैक्युलर या कैंसिलस बोन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रबैक्युलर या कैंसिलस बोन। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बच्चों, यहां पे बाहर की तरफ प्रोजेक्शंस थोड़ा थोड़ा, बाहर नहीं है वो एग्जैक्टली अंदर की तरफ, ये हल्के प्रोजेक्शंस वाले स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, और इनके बीच में जो स्पेसेस है वो ज्यादा है। यहां पे आप थोड़ा बहुत स्पेस देख रहे हैं, वो भी स्पेस क्या है? ऑस्टियोसाइट से भरा हुआ है, लेकिन यहां पे आप क्या देख रहे हैं? स्पेस थोड़ा ज्यादा है। तो इट इज योर ट्रबैक्युलर और कैंसिलस बोन। नेक्स्ट, इंडिविजुअल जो प्रोजेक्शन है उसको ट्रबैक्युले कहा जाता है,
और इसी स्पेस में जो कि यहाँ ट्रबेक्यूला के बीच में स्पेस प्रेजेंट है उसी में आपके बोन मैरो रहते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, स्पॉन्जी बोन का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है नो ऑस्टियोन्स, इसमें ऑस्टियोन्स नहीं पाया जाता है। जो स्ट्रक्चरल यूनिट, जो रिपीटेटिंग यूनिट कॉम्पैक्ट बोन में मिल रहा था, यहाँ पे बार बार इसका रिपीटेशन होता है, बार बार इसका अरेंजमेंट। जैसे आप दीवार ले, दीवार पे क्या होता है, ईंटे का अरेंजमेंट किया जाता है, वो ईंटे का अरेंजमेंट बार बार होता है। लेकिन कभी कभी क्या हुआ, आप देखे होंगे कि दीवार के बीच में है ना कुछ स्पेसेस छोड़ दिए जाते हैं, अब आप उसको बना दोगे तो वो क्या होगा, छल्ली जैसा बनेगा कि नहीं। तो ठीक उसी तरह का ऑस्टियोन्स जो है यहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन में रेगुलर वे में होता है, यहाँ पे स्पॉन्जी बोन में नहीं होता है। आपने क्या किया, एक ट्रबेक्यूला लिया और उसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, ऐसा आपको मिलेगा वो डायग्राम। लेकिन अगर इन दोनों डायग्राम के बीच में आप डिफरेंस देखेंगे तो ये डायग्राम बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा कुछ, जबकि ये डायग्राम आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं दिख रहा, ये कोई पर्टिकुलर सीक्वेंसेस नहीं दिखा रहा। नाउ थिंग इज व्हाट, कि यहां पे जो स्पेसेस है, यहां पे जो लैमिला है वो इररेगुलर पैटर्न में, जबकि यहां पे जो लैमिला था वो रेगुलर पैटर्न में था, चाहे वो कॉन्सेंट्रिक हो चाहे वो सर्कमफेसियल हो, एक तरीका था इसमें, लेकिन इसमें वो तरीका नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अंदर की तरफ आपको ऑस्टियोसाइट्स दिख रहे हैं, बाहर की तरफ जो आपको है वो ब्लू ब्लू जो सेल्स दिख रहा है दैट इज योर ऑस्टियोब्लास्ट सेल, और ये जो रेड वाला सेल्स है दैट इज योर ऑस्टियोक्लास्ट सेल। अब हुआ क्या कि जब यहां पे स्पेस पूरा है, अरेंजमेंट भी प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा, कॉम्पैक्ट तो होगा ही नहीं है, तो वेट इसका कम होगा कि नहीं, सो इट इज लाइट वेट। नेक्स्ट इट इज मोर स्पेसियस, एंड थर्ड अगर ये स्पेसियस है बच्चों तो ये उस एरिया में प्रेजेंट होता है जहां पे स्ट्रेस कम होगा, और इसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, कॉम्पैक्ट बोन दे रहा है, सो इट इज लोकेटेड इन द एरिया विथ द लेस स्ट्रेस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं ना बच्चों, तब आपको आसानी होती है, जब आपको ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह पढ़ाया जाता है तो आपको ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस करनी पड़ती है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, थैंक यू।